हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, आप देख सकते हैं आज का जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है यहाँ का। और ऐसे मौसम में मुझे दोनों बच्चों को लेके जाना पड़ रहा है मम्मी के घर। अभी मम्मी का फ़ोन आया तो वहाँ जाना पड़ रहा है गाइस। और क्यों मैं मम्मी के यहाँ गई हूँ तो वो तो मैं अब आपको वहीं जाके बताऊंगी गाइस। और चलिए, चलती हूँ मम्मी के घर और फिर वहाँ आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या हुआ, उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है गाइस। तो गाइस, आप देख सकते हैं कितना ख़राब मौसम था और ऐसे में मुझे जाना पड़ रहा है। तो हम लोग निकल रहे हैं गाइस और वहीं पर मिलते हैं आप लोगों से और बताते हैं क्या हुआ। तो गाइस, इनकी बधाइयाँ थी, ये 6 मंथ की हो गई है, हमारी भतीजी है और इसलिए मम्मी ने हम लोगों को जल्दी जल्दी बुलाया। तो हम लोग जल्दी जल्दी वहाँ पर पहुँच गए थे और गाइस फिर आ चुके थे हम लोग अपने रूम पर, जहाँ हमारा घर बना हुआ है वहाँ पर आ चुके थे। क्योंकि जो अभी हमारा फंक्शन हुआ है उसमें बहुत सारे गिफ्ट मिले थे हम लोगों को, मतलब मेरे बच्चों को और हम लोगों को। तो वो गिफ्ट, मेरा बच्चा बहुत ज़िद कर रहा था, बहुत दिन हो चुके थे, 2-3 दिन तो हो ही चुके थे कि उसको गिफ्ट देखना है कि उसके लिए गिफ्ट में क्या क्या आया था उसके बर्थडे में। तो इसलिए गाइस हम लोग वहाँ पर बैठ के आराम से सारे गिफ्ट ओपन करने लगे और देखने लगे कि किसने हमें क्या दिया है। तो गाइस, ऐसा होता है ना कि जब कोई हमें गिफ्ट देता है तो हमें रिटर्न भी करने पड़ते हैं। तो इसलिए हम लोग आराम से गिफ्ट देख रहे थे कि किसने हमें क्या दिया है, कल को अगर उनका कोई फंक्शन होगा तो हम लोग उनको भी उसी हिसाब से रिटर्न गिफ्ट कर सकें। तो गाइस, चलिए आप इंजॉय करिए और देखिए कि किसने हमें क्या गिफ्ट दिया है। काफ़ी अच्छे अच्छे गिफ्ट आए थे गाइस बच्चों के लिए भी, और जैसे कि गृह प्रवेश था उसमें घर में लगाने के लिए भी काफ़ी अच्छे अच्छे गिफ्ट थे। तो आप लोग देखिए और इंजॉय करिए।
देखने के बाद गाइस अब हम लोग आ चुके हैं अपने रेंट वाले घर पर वापस। तो गाइस आप देख सकते हैं मौसम खराब होने के बाद ये बच्चा घर के अंदर नहीं रुक रहा था, सीधे बाहर भाग रहा था। इसको तो खेलने की पड़ी थी गाइस, और आप देख सकते हैं कि इसको बाहर जैसे ही मैंने निकाला तो ये सीधा छत पे जाने के लिए कितना परेशान है, इसको बहुत रोका लेकिन ये रुक नहीं रहा था। आप देखिए पूरी सीढ़ियाँ ये चढ़ जाएगा, और आप इसको देखो कि कितना इसको बाहर खेलने की पड़ी हुई है। ये मेरा छोटा बच्चा है, ये बहुत परेशान करता है, मैं तुम्हारी पिटाई परेशान रहती हूँ। वैसे तो दोनों ही परेशान करते हैं लेकिन ये ज़्यादा, इसको बहुत खेलने की पड़ी रहती है बाहर। आप देख सकते हैं, देखो पूरा छत पे चला आया है ये, इसको किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखो कितना ख़राब मौसम है, और बरसात का मौसम है फिर भी इसको खेलने की पड़ी हुई है छत पे। देखो पूरी छत गीली है, और देखो इसको, इसने पूरे अपने सॉक्स गीले कर लिए, और जैसे तैसे मैंने इसको कह रही थी कि नीचे चलो नीचे चलो, और ये इसको तो भागने की ही पड़ी थी। देखो आप देख सकते हैं, और ये वहाँ पर छत पे आराम से खेल रहा था। इसको ये लगता है कि बस मुझे छोड़ दो, मैं तो आराम से खेलता रहूँगा, और मैं कुछ भी करता रहूँ इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कुछ भी बोलती रहती हूँ इससे उसको कोई फ़र्क नहीं, इसको तो बस खेलने से मतलब है। पापा आप देखो कैसे बैठ गया आराम से, मैं जैसे तैसे नीचे लाई तो नीचे भी आप देख सकते हैं कितनी शैतानी से इसने पूरे घर में, तो वो कहाँ बैठ के खेल रहा है गाइस, और पूरे घर में कितने सारे खिलौने फैला रखे हैं, और इसको सारे खिलौने से ऐसे खेलना होता है, ये दिन भर ऐसे ही परेशान करता है। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।